पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद के दिगंबर जैन समाज और दिव्यज्ञा केयर फाउंडेशन द्वारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मिलिट्री के कुछ पदाधिकारियों को मफलर वितरित किए गए। उसके बाद बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा 500 मफलर भेजे गए। संगठन की गौरी जैन ने बताया कि हमारे सैनिक अपनी जान की परवाह किए बिना सर्दी हो या बारिश में भी चट्टान की तरह खड़े हुए देश की रक्षा करते हैं। ऐसे में हम लोगों का फर्ज है कि हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्था में जरूरतमंद और होनहार महिलाओं द्वारा बनाए गए मफलर भेजे गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारी संस्था पिछले 15 वर्षों से जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। इस मौके पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एडीएम सिटी आलोक कुमार, अनिल कुमार जैन, पंकज जैन, संदीप जैन, नीरज जैन, विकास जैन, संजय जैन, कर्नल दलजीत सिंह चन्ना आदि लोग उपस्थित रहे। आज क्या किया गया है? आज हमने ये दिगंबर जैन समाज की तरफ से और दिव्यज्ञा केयर वेलनेस फाउंडेशन आदिनाथ भाई गौरी की तरफ से हमने बॉर्डर पर जो हमारे वीर सैनिक बहुत सर्दी में -30 टेम्परेचर तक में काम करते हैं, उनके लिए हमारी ये भावना है कि सर्दी के लिए हम उनको मफलर बनाकर भेजें। तो हमने हाथ से ये मफलर बनवाए हैं ताकि उनको ऐसा फील हो कि उनकी मम्मी ने या उनकी बहन ने ही उनको मफलर बना के भेजे हैं। तो ये सोच के हमने हाथों से बनवाए हैं ये, और क्योंकि हमारी ये भी एक काम है कि हम जो ग्रामीण महिलाएं हैं और जेल की कैदी महिलाएं हैं उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से कुछ काम देना चाहते हैं, और मेन काम हमारा निटिंग का ही है जो हम उनको उनसे कराते हैं। तो निटिंग हमने ये सारी अपनी उन्हीं महिलाओं से कराई है जिनको हम 15 साल से रोज़गार देने का काम कर रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी हमारे लिए बहुत सारी निटिंग करती हैं, तो अब उन्होंने बॉर्डर के वीर सैनिकों के लिए बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर ग्रीन कलर के, मल्टी ग्रीन कलर के ही मफलर बन के तैयार किए हैं, जो आज हमने यहाँ पर डीएम सर के प्रेजेंस में हमने कर्नल दलजीत सिंह चन्ना जी को और उनकी टीम को हैंड ओवर किए हैं, जो अब उनको बॉर्डर पर भेजेंगे। कितने मफलर यहाँ पर? ये हमारे 500 के करीब मफलर हैं, जिसमें से अभी हमने कुछ उनको दे दिए हैं, कुछ अभी भी इधर उधर बन रहे हैं जो कि अभी कलेक्ट नहीं कर पाए थे, हम लेट हो गया था, तो अभी हमने कुछ दे दिए हैं, कुछ थोड़े से रह गए हैं उसमें। देखिए, आज दिगंबर जैन समाज मुरादाबाद की तरफ से जो हमारे बॉर्डर पर जवान लड़ रहे हैं उनके लिए आज, चूँकि विंटर का सीजन आ रहा है, तो सबके लिए मफलर की व्यवस्था की गई है समाज के द्वारा, और हमारे कर्नल साहब इसको वहाँ पर बॉर्डर तक भिजवाएंगे। तो निश्चित रूप से जैन समाज की जो भावनाएं हैं उसका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यह बात एक कंबल की या एक मफलर की नहीं होती, बात अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की होती है। जिस ढंग से आप लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, इससे निश्चित रूप से हमारे जवानों का मनोबल बढ़ेगा और अपने दायित्वों का और बेहतर ढंग से निर्वहन कर सकेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जवानों तक जब पहुँचेगा तो मुरादाबाद के लोगों को याद रखेंगे और बेहतर ढंग से अपनी सेवाओं को अंजाम दे सके।